कोई बात है, उसका नस कट गया है, वो हॉस्पिटल में है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? ब्राइडल लगा रहे तो टाइम से लगेगा ना। नहीं बन पाएगा और नाइट भी हो गया है काफी, तो कैसे करना है जी? कल तो घर जाएंगे, समझ नहीं आ रहा है। अरे मेरी होने वाली तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय लाइफ स्टाइल ब्लॉग। तो गाइस आप लोग को पता है कि अभी तो मैं घर आ गई हूँ और नब्बू के साथ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो नब्बू हेलो गाइस करेगी, तो बोलो जोर से। तो ये तो अपना बोल ली जो भी बोलना था। क्या बोलते हैं? हेलो देश, हेलो देश, हेलो देश बोलते हैं कि हेलो गाइस बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या है फंसा रही? तो छोड़ इसको, छोड़। कहाँ जा रही है तू? ऊपर कहाँ? ऊपर कहाँ? फिर लगेगा, लगेगा। कहाँ जा रही बता? वहाँ पास, वहाँ पास कहाँ पास? बुआ पास। अच्छा बुआ पास। और वो कौन है? वो कौन है? साथी इसको देखना, देखना पहले मेकअप कब करके आए हैं, देखना दिखा। कान में तो देखो पहले। अरे पाउडर लगा है इधर कान के पास। चलो चलो मैं भी जाऊं। तेरे को नहीं लेके जाएंगे। चलो 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 चलो। तू लगवाई सुई, चल फोन लगाऊं डॉक्टर को। फोन लगाऊं? जा 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 जा। तू ही तो भेजती है रे। वही तो, जाओ जाओ तो बोलती है। नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ। हम लोग तो शादी घर जाएंगे नाचने। रोशनी मैया घर, रोशनी मैया घर। तो कहाँ जाबे? पप्पा आ रहा है। भाग जा 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 अंदर, जब जा 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 अंदर, जा जा इधर इधर अंदर। जा अपने घर, जा ना रे अपने घर। चलो रे हम लोग अंदर जाते हैं। चलो चलो हम लोग नहीं जाएंगे, चलो चलो जाते हैं, चलो जूता पहन के आएंगे। सो गाइस अभी तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, जाने के लिए निकल रहे थे। वैसे नब्बू नाटक कर रही थी जाने के लिए, और आज मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के घर। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए, वहाँ जा करके आप लोग को दिखाती हूँ कैसे मेहंदी लगाती हूँ। और आप लोग भी मेरे को बुलाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करिएगा, कॉन्टैक्ट तो नहीं कर सकते, कमेंट करिएगा तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा फिर। तो चलिए चलते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा धूप हो गया है, क्या ही बताऊँ मैं। और इधर आपके भैया बैठे हैं, देख सकते हैं। सो गाइस अभी तो हम लोग ये केनापारा पहुँच गए, और कुंजनगर से मेरी फ्रेंड आएगी, उसके बाद उसके रिलेशन वाले के घर में जाना है मेहंदी लगाने के लिए। तो अभी हम लोग दुकान के पास पहुँचे, कितना धूप है ना, तो हम लोग सोचे फ्रूटी वगैरह पी लेंगे और आइसक्रीम खा लेंगे। तो तुम लोग खाओगे आइसक्रीम? खिलाओगे तो जरूर खाएंगे। और आपके भैया का बाल भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। रामनवमी चल रहा था ना, इसकी वजह से थोड़ा बाल वगैरह नहीं कटाया था, तो मैं कटाने का बहुत दिन सोच रहा हूँ लेकिन समय नहीं मिल पा रहा स्टेप पर कि कटाऊँ। अभी तो आए हैं आपके भाभी का, तो अभी कुछ दिनों बाद मैं कटाऊँगा, सोच रहा हूँ अभी जाने जाते टाइम तो कटाऊँगा सोच रहा था, बट अभी देखते हैं क्या होता है। शादी के साथ हम लोग घूमने वाले हैं तो कटा लेंगे। और फिर वहाँ पे छोड़ने के बाद ये लोग जाएंगे थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करने, बाल वाल कटिंग करवाने जाएंगे। तो आप लोग इनको देखते रहिएगा, तब तक मैं मेहंदी लगाऊंगी, फिर आप लोग को दिखाऊंगी मैं कैसा मेहंदी लगाई हूँ। तो चलते हैं आप फ्रूटी लेने। फ्रूटी है? दस, हाँ दस वाला ही दे दीजिए, तीन दे दीजिए, तीन। तो इधर मैं तीन फ्रूटी ले आई, और ये दोनों ना बस आराम करते रहते हैं, एनी टाइम मेरे को काम कराते हैं, हर चीज में काम कराते हैं। लो खाओ पियो, ये लोग ना बहुत वो है। तो इधर मेरी फ्रेंड भी आ गई अपना स्कूटी लेके, तो अभी तो ये मुंह बांधी है पूरा, तो चलते हैं अब। तो ये फेस उस बांध ली है, तो चलो फिर चलते हैं अब।
सो गाइस हम लोग तो पहुंच गए जहाँ पे मेहंदी लगाना है वहाँ पे, तो मैं चलती हूँ अंदर और आपके भैया लोग तो जाएंगे विश्रामपुर, लोग शॉपिंग करने बोल रहे थे तो मेरे को छोड़ेंगे उसके बाद, तो चलती हूँ फिर। सो गाइस ये देख सकते हैं शादी घर, मंडप वगैरह लगा है। इधर मेरी फ्रेंड अपना फेस नहीं दिखा रही है अभी तो ये नाश्ता आ गया। तो चलिए हम लोग आ गए यहाँ केनापुरा में और आपकी भाभी को वहाँ छोड़ दिया है, वहाँ मेकअप नहीं तो मेहंदी लगाने गई है। तो हम लोग सोचे वहाँ पे टाइम वेस्ट क्या करेंगे, इधर आ गए हम लोग केनापुरा घूमने के लिए और यहाँ पे स्वाति बोलिए रील्स वगैरह शूट करने लगेंगे थोड़ा बहुत, तो चलिए उसी के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा घूम लेते हैं, वैसे पार्क में कोई दिख भी नहीं रहा है, ज़्यादा कोई है भी नहीं और थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। तो मैं रील्स तो बना, केनापुरा से हम लोग जा रहे हैं विश्रामपुर साइड घूमने के लिए देखते हैं उधर जाके हम लोग को दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग फाइनली विश्रामपुर पहुंच गए हैं और अभी हम लोग बस बिरला के यानी शोरूम या दुकान बोल सकते हो स्टोर जो है सामने की ओर है। अभी अंदर जाने के लिए सोच रहा हूँ कि क्या लोग यानी वैसे आज का दे है तो काफ़ी दुकान बंद है, पानी वगैरह पी लेता हूँ उसके बाद रिलैक्स होने हो करके जाता हूँ, कुछ अच्छा सा सिलेक्ट करता हूँ कुछ लेटेस्ट जो कि नया आया होगा, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ ना अंदर, ठीक है। ये तो जाना नहीं चाह रही है, कोई बात नहीं, इनको लेस खाने देते हैं। सो गाइस मैं अभी आ गया हूँ ड्रेसिंग रूम, ट्राई करने वाला हूँ कैसा लग रहा हूँ बताइएगा। थोड़ा बहुत तो स्मार्ट ही लग रहा हूँ वैसे, अपने आप से बोल रहा हूँ बट पता नहीं है ना। जो ऐसे ऐसे दोनों को ले लेते हैं, बाकी देखते हैं आगे, ब्लॉग पे बने रहिएगा आप लोग। तो अभी हम लोग निकल गए हैं विश्रामपुर से, शॉपिंग वॉपिंग तो हो गया, तो हम लोग पहुंच गए यहाँ। तो देख सकते हो इधर लगा रहे हैं मेहंदी वगैरह दुल्हन का, तो कुछ बोलोगे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है? ब्राइडल लगा रहे तो टाइम से लगेगा ना, तो लगा लेते हैं फिर आप लोग को दिखाती हूँ मैं। सो गाइस हम लोग तो लगा के कम्प्लीट कर दिए, ये रहा लग भी गया देख सकते हैं, और इधर पैर में भी लगा लिए जस्ट अभी लगाए हैं। मेहंदी तो लगा लिए कंप्लीट कर लिए फ्री हो गए, बट आईब्रो थोड़ा सा बनाना है, गीता बना रही है। मेरा हाथ थोड़ा आज मैं घर में बनाई थी ना तो कटने कटने जैसे हो गया, तो इसलिए मैं अभी नहीं बना रही, सोची गीता को बनवाती हूँ मैं, है ना गीता? मेरा हाँ भी नहीं बोलती है। चलो तो गाइस अभी तो हम लोग चौपाटी आ गए हैं मेहंदी वगैरह लगाए उसके बाद, और हम लोग का गाड़ी भी ख़राब हो गया है, उसको आप लोगों को बताई भी नहीं कि हम लोग जल्दी जल्दी गाड़ी को गाड़ी गैरेज में छोड़े और जस्ट ही आ गए हैं। तो इधर देख सकते हैं मोबाइल चला रहे हैं लोग, दिन भर मोबाइल चलाते हैं, और यार छोटे सारी नानी अरे मेरी होने वाली आप लोग देख सकते हैं यहाँ विश्रामपुर का चौपाटी यहाँ पे लगता है, क्या बोलते हैं यहाँ पे कौन सा स्कूल है? डी आई बी स्कूल के जस्ट बगल में ही यहाँ पे चौपाटी लगता है। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर दे दिए हैं, तो फाइनली हम लोग का बिरयानी आ गया इधर, ये भी अभी ट्राई कर बिरयानी ट्राई कर रहे हैं, और ये रहा मेरा स्वाति को भी खिला रहे हैं। स्वाति भी नहीं खाती है क्या? तो गाइस बिरयानी तो आज मैं फर्स्ट टाइम खा ली, और खाने के लिए तो खा दी लेकिन अभी अजीब सा लग रहा है, पेट ज़्यादा ही भर गया टाइप से लग रहा है, तो चलते हैं अब घर। चली मोरसारी हाँ बैठा। तो अभी हम लोग गाड़ी गैरेज में आ गए हैं, तो अभी गाड़ी का कुछ हालत इस प्रकार का हो चुका है जो कि इसका एक्सीलेटर वायर टूट गया है, तो यहाँ सामान नहीं अवेलेबल है, तो अभी नहीं बन पाएगा और नाइट भी हो गया है काफ़ी, तो कैसे करना है जी? कल तो घर जाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है अब क्या करना है, सू तो जाइए फोन करो घर में, फोन करो लगा रहे नहीं उठा रहे हैं, यह है डेस्टनी नया न्यू गाड़ी का न्यू प्रॉब्लम, इनका वायर नहीं मिले बोलते हैं सेटअप लगेगा, ये यार गजब हो जाएगा। तो दोस्तों बड़े दुख के साथ मेरे को बताना पड़ रहा है कि गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा, गाड़ी क्या ही बोलूँगा।
हम लोग कैसे घर जाएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या बोली, मैं शौक में हूँ, यहाँ पे गाड़ी का सामान नहीं मिल पा रहा है। आप लोग दुआ करो मेरी गाड़ी जल्दी ठीक हो जाए। आप लोग दुआ करो मेरी गाड़ी बीमार है, बीमार तो उसका उसका नस कट गया है। आपके भैया ना उसका नस को काट दिए। ये रहा इसका नस, ये वाला नस ऐसे है। पता नहीं वो क्या कांड करके आई थी, चाहे डांटे उसको। नहीं डांटे रहते तो हाथ नहीं काटे। करना सभी जिंदा रहता, पानी एकदम पिए हम लोग घर पहुंच जाते हैं। आपके भैया को भी क्या बोलूं, मेरे मत्थे से ऊपर पार हो रहा है। स्वाति को मजाक लग रहा है। मैं कितनी सीरियस हूँ जिसको मजाक लग रहा है। कोई बात है, उसका नस कट गया है, वो हॉस्पिटल में है। मैं क्या बोलूँ, बस आप लोग दुआ करो, प्रे करो कि मेरा गाड़ी ठीक हो जाए। किसका वेट कर रहे हैं यहाँ पे? इसका वेट करेंगे, बस गाड़ी खराब हो गया, मत्था खराब, बच्चे हैं बस। तो हम लोग जिसके घर मेहंदी लगाने गए थे ना, उसी के घर के मतलब जो गीता के फ्रेंड हैं, वो मतलब दुल्हन के भैया, वो हम लोग को छोड़ने जाएंगे घर, क्योंकि हम लोग का गाड़ी वाड़ी ख़राब हो गया। वो घर में भी साथी है, दीदी घर तो सब उधर बिजी हैं। तो गीता बोली कि मैं फ़ोन कर दे रही हूँ वो मतलब कि जिसको मेहंदी लगा उसके घर में, कि पहुँचा देंगे ऐसे करके। तो वो आ रहे हैं तो छोड़ेंगे वो। और यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं होता है ना? हाँ ज़्यादा दूर नहीं है,